चार इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बिजनेस के हैक्स देने वाला हूँ जिसको अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका टर्नओवर, आपका बिजनेस का रेवेन्यू रातों रात इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर। अगर आप अपने बिजनेस का टर्नओवर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस में कस्टमर को बढ़ाना होगा। मान लीजिए अगर आप आपके बिजनेस में 50 कस्टमर है आज, तो उसको कैसे इंक्रीज करके 100, 500, 1000 पे लेके जा सकते हैं, इससे आपका बिजनेस का टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि इंक्रीज द एवरेज टिकट साइज। अगर आप अपने बिजनेस में टर्नओवर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट का टिकट साइज बड़ा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके आज बिजनेस में 100 कस्टमर है और 100 कस्टमर 10 रुपये के सामान खरीद के जाते हैं तो आपका टोटल 1000 का रेवेन्यू होता है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस सेल और अपसेल। अगर कोई कस्टमर 5 रुपए का सामान खरीदने आया तो उसको 10 रुपए का सामान कैसे देंगे? जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 रुपए एक कस्टमर को देते हैं तो उसको 12 रुपया 15 रुपया कैसे करें? अगर आप 15 रुपए पर कस्टमर करते हैं तो 100 कस्टमर अगर 15 रुपए खरीदारी करते हैं तो वो आपका 1500 रुपए खरीदारी करते हैं। तो इस तरीके से आपको रातों रात बिजनेस का टर्नओवर बड़ा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन पर कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कस्टमर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई कस्टमर अगर 10 रुपए का सामान खरीदने आता है तो उसको 15 रुपए 20 रुपए में कैसे लेके जाए, इससे आप अपने बिजनेस का टर्नओवर बड़ा कर सकते हैं। जस्ट सिंपल। फोर्थ चीज है कि इंक्रीज द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस आज 10 रुपया है तो उसको 12 रुपया 15 रुपया करिए और उसमें कुछ वैल्यू क्रिएट करिए। अपने टीम मेंबर, अपने डायरेक्टर, कोई भी हो, अपने बिजनेस के मालिक से बैठकर बात करिए कि कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें दो चीजें होता है। पहले तो आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू इतना क्रिएट करें कि कस्टमर को दो तरीके से फायदा हो, या कस्टमर की कॉस्ट कम हो जाए, उसकी खर्चे कम हो जाए, या उसका रेवेन्यू बढ़ जाए। इन दो चीजों में आप ध्यान रखें और यहाँ से आपके प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेंगे। और फिफ्थ है कि एड ऑन द न्यू प्रोडक्ट लाइन। अगर आज आपके बिजनेस में सिर्फ 10 प्रोडक्ट है तो वो लिमिटेड प्रोडक्ट है, 10 ही प्रोडक्ट बिकेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज करें, आज 10 है तो 15 कैसे जाए, 20 कैसे जाए, अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाते जाइए जिससे आपका टर्नओवर बड़ा होते जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस पॉइंट्स को नोट करिए और जो लर्निंग दिया यहाँ पर उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसे ही बिजनेस के हैक्स आपको देने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।